उत्तर भारत के नाल पंजाब का मौसम का मिजाज कुछ हुण बदल लगा है। पंजाब दे विच रातां नूं ठंड वधन लगी है। रात दा पारा लगभग 14 डिग्री दे करीब चल रहा है, जदों कि दिन वेले दा पारा 35 डिग्री दे करीब है। लुधियाना पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे मौसम विभाग वल्लों दस्या गया कि आउंदे दिनां विच पारा घटेगा। उन्हां किसानां नूं भी विशेष सलाह दित्ती कि यूनिवर्सिटी दीआं हदायतां मुताबक 25 अक्तूबर तों बाद ही किसानां नूं कणक दी फसल दी शुरुआत करनी चाहीदी है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मौसम विभाग दी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर कौर ने कहा कि इस वार सर्दियां दा आगाज जल्दी हो जाएगा, जो कि बीते समय तो बारिश ना होने करके मौसम खुश्क रहा। उन्होंने कहा कि रात ते दिन दे पारे विच फिलहाल काफी फर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान झोने की फसल जल्दी तो जल्दी वढ़ लैन अते कणक की फसल नू 25 अक्तूबर तो बाद या नवंबर के पहले हफ्ते तो बीजना शुरू करन। इस तो अलावा उन्होंने कहना सी कि जदों दिन का पारा 30 डिग्री या उस तो हेठा हो जाएगा उदों ही कणक बीजी जाए। जी मैम, जेकर मौसम की गल की जाए तो किदां दे टैंपरेचर इस टाइम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम जिदा बीते दिन काफ़ी गर्मी थी कुछ समय पहला, चेंजेस किन्ने का है मौसम में? जिस तरह आप देख रहे हैं जी, टैंपरेचर जिहड़े ने काफ़ी उहदे च अगे नालों चेंज आया, जिस तरह कि हुण भी ड्राई स्पैल भी बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं लगता एक महीना ही हो गया है कि जिहड़ा टैंपरेचर्स लगातार राइज कर रहे हैं और बारिश नहीं हुई है, क्योंकि मानसून विदड्रॉल जिहड़ा साडे कोल लास्ट वीक ऑफ अक्तूबर हो गया सी, उस तो बाद लास्ट वीक ऑफ सितंबर सॉरी हो गया सी, उस तो बाद एक महीना हो गया, मतलब पूरा ड्राई स्पैल चल रहा है, जिदे नाल कि इस तरह लग रहा सीगा कि जिहड़ा सर्दियों का आगाज है इस बारी छेती आ जाएगा, क्योंकि रातां ठंडियां होनिया शुरू हो चुकिया ने। रात का तापमान जिहड़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है 14 डिग्री, जिहड़ा 13-14 डिग्री रिकॉर्ड हो रहा है, और जिहड़ा कि नॉर्मल नालों 2 डिग्री घट चल रहा है। इस तरह जिहड़ा दिन का तापमान है वो थोड़ा जिहा ऑन द हायर साइड है या कितने कितने नॉर्मल भी चल रहा है, क्योंकि जिहड़ा टैंपरेचर्स हैगे ने 33-34 डिग्री दिन के जिहड़े तापमान चल रहे हैं। सो जे आप कही कि जी कितने 35 डिग्री है तो वह थोड़ा जहा नॉर्मल नो ज़्यादा, वैसे जिहड़ा वो नॉर्मल ही चल रहा है। सो जिदे करके कि लग रहा है कि जिस तरह भी हले भी आने वाले हफ्ते ड्राई स्पैल ही रहने की संभावना है, क्योंकि साढ़े कोई फोरकास्ट नहीं हले आई कि बारिश हो सकती है। सो हले इस तरह ही जिहड़ा खुश्क मौसम रहेगा उहदे विच असीं किसान वीरां नूं इही सलाह देवांगे कि जिहड़ी झोने की वाढी है उहनूं खत्म कर लैण, क्योंकि जिन्हां ने कईआं ने तां खत्म कर ली हुई है, जे थ्रैशिंग रहिंदी है तां थ्रैशिंग कीती जा सकती है क्योंकि हले मौसम खुश्क हैगा। बाकी कणक दा वी सीजन जिहड़ा आ रिहा उहदी बिजाई किसान वीरां ने शुरू करनी है, उहदे लई भी कुछ गल्लां ध्यान च रखण दी लोड़ हैगी है कि जिस तरह टैंपरेचर हाई चल रहे हैं तां आपां कह रहे हैं कि जदों टैंपरेचर 30 डिग्री जिहड़ा दिन दा तापमान है उहदे नेड़े तेड़े होवे ते जिहड़ा रात दा तापमान है 15-16 दे नेड़े होवे, फिर ही कणक दी बिजाई करनी चाहीदी है, क्योंकि जदों टैंपरेचर हाई हो जांदे आ ते उदों बिजाई करन दे नाल जिहड़ा कणक दे झाड़ ते काफ़ी असर पैंदा। सो इन्हां 25 अक्तूबर तो बाद जिवें यूनिवर्सिटी रिकमेंड करदी है, और सानू भी लग रहा है कि 25-30 तक जिहड़ा टैंपरेचर फॉल होण दी संभावना हैगी है, सो उदों जिहड़ी है कणक दी बिजाई नूं तरजीह दित्ती जावे। बाकी जिस तरह कि आपां देख रहे हैगे आ कि जिहड़ा येलो रस्ट दा इंपैक्ट है वह वीट दे उपर काफ़ी कई सालां दे विच देखण नूं आ जांदा है, सो जिहड़े नीम पहाड़ी इलाके है उत्थे भी जिहड़ी बिजाई है वह हले मतलब लेट ही की जाए, 25 अक्तूबर तो बाद की जाए या मतलब नवंबर के शुरू से की जाए, क्योंकि उदों भी मतलब जिहड़ा हुण कंड्यूसिव टैंपरेचर्स ने उहदे नाल भी उहदा असर हो जाता है येलो रस्ट का। दूजी गल है कुछ वरायटियां यूनिवर्सिटी ने जिहड़ियां रिकमेंड कीतियां ने, जिवें कि PVW 725 है, PVW 752 हैगी, उन्नत PVW 550 है, PVW 660 है। सो यही जिहड़ियां वरायटियां इन्हां नूं तरजीह दित्ती जाए नीम पहाड़ी इलाकों के जिथे कि पीली घूमे का असर पहला भी देखने को मिले। सो ये चीज़ों का जरूर इन्हों दिनों ध्यान रखा जाए। मैम जे टैंपरेचर की गल की जाए, जिम्मे रात वे काफ़ी मौसम जोड़ा ठंडा हो जाता है, पर दिन में हजे भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा महसूस हो रही है, एक ही लगता है कि कदों तक जो दिन के टैंपरेचर वो थले आ जाएंगे, लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी तो राहत मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिनी देर तक साढ़े कोई वैसटर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता उन्नी देर आप कह सकते हैं कि टैंपरेचर फॉल नहीं करते। पर जिस तरह मैं थोड़े पहल गल की है कि हले 3-4 दिन सानू लग रहा कि मौसम खुश्क रहेगा, उस तो बाद जो थोड़ा जहा नाइट टैंपरेचर राइज होंगे है तो कोई पछमी चक्करवात का इफेक्ट आता है, फिर ही आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि जो दिन का तापमान है वह फॉल करेगा। प्राइम मोदी लुधियाना तो हैरी की रिपोर्ट।